जी भाई, जी प्रियंका गांधी जी का ये निर्देश था और घोषणा पत्र की जो समिति है उसकी अध्यक्षता में, सलमान खुर्शीद जी की अध्यक्षता में हम लोग यहाँ पर आए हैं। उनका ये मंशा थी कि घोषणा पत्र सिर्फ विशेषज्ञों से मिलकर दूर लखनऊ में न बनाया जाए, ये घोषणा पत्र आम जनता की समस्याओं का समाधान ढूंढे, उनकी अपेक्षाओं को, उनकी इच्छा को, उनकी महत्वाकांक्षाओं को अंकित करे, उनको प्रतिबिंबित करे। इसलिए हम तमामों मंडल गए हैं, हम बहराइच गए, मेरठ गए, कानपुर, हम लोगों ने गोरखपुर, अयोध्या, झांसी, काफ़ी सारे मंडलों में घूमकर लोगों की समस्या जाननी चाहिए और उसी के संदर्भ में आज हम लोग आगरा आए थे। प्रमुख समस्याएं पूरे प्रदेश की एक ही तरह की हैं, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, वो मजदूरों के शोषण की बात हो, किसानों के शोषण की बात हो, आवारा पशुओं की दिक्कत की बात हो, महंगाई की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो, कोरोना काल के कुप्रबंधन की बात हो, और इलेक्ट्रिसिटी के साथ जो बिजली की समस्या चल रही है, ये तमाम जो समस्याएं हैं वो लगभग सेम है जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं। लेकिन आज क्योंकि हम आगरा मंडल में और आगरा की लोगों से, हम लोगों ने संगठनों से बात करी, यहाँ पर मुख्यतः जो जूते चर्म जो व्यवसाय है उससे संबंधित समस्याएं लोगों ने रखी, लोगों ने यहाँ के जो व्यवसायी थे उन्होंने बिजली की समस्या बड़ी रखी, एक निजी कंपनी के हाथों बड़ा शोषण होता है, तो तमामों समस्या यहाँ की अपनी भी हैं और बहुत सारी ऐसी समस्याएं जो पूरे प्रदेश में हमको मिल रही हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि ये जो घोषणा पत्र हम लोग बना रहे हैं सलमान जी की अध्यक्षता में, वो ऐसा बने कि जिसको देखकर हर आम आदमी कह सके कि ये तो मेरा मुद्दा है, ये सुझाव हमने दिया था और ये प्रियंका जी का मत था कि ऐसा घोषणा पत्र ही बनना चाहिए। उसके संदर्भ में आज हम लोग यहाँ पर हैं, हम लोग और भी मंडलों में जाएंगे, लोगों से डायरेक्ट बात करके सुनेंगे। बाकी सारी पार्टियाँ और कांग्रेस ने भी पहले घोषणा पत्र बड़े रिस्ट्रिक्टेड वे में विशेषज्ञों से बात करके अपने ऑफिस में बैठ के बना लेते थे, ये बिल्कुल अलग तरह का एक्सपेरिमेंट है। हम लोग जहाँ जाते हैं वहाँ पर 70-80 से ज़्यादा संगठनों से मिलते हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, तो ये बहुत विस्तृत चर्चा के बाद एक घोषणा पत्र बन के खड़ा होगा। बाकी आपको सलमान साहब, सुप्रिया जी, ये तो घोषणा पत्र से पहले की कवायद है, लेकिन उससे पहले ये तो सनातन रही हैं, आवारा पशुओं की जो समस्या